हम राम के दर्शन के लिए आए हुए। हमको सनातन धर्म चाहिए और सनातन धर्म मोदी जी लाएंगे। महंगाई चलेगी लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें बस हमारे हिंदू धर्म से मतलब है और मैं ये गारंटी देता हूँ कि 5 से ज्यादा सीट आपकी नहीं आएगी। फिक्स। आपके लिए हिंदू धर्म क्या है? आपके लिए हिंदू धर्म क्या है? बस राम मंदिर बनवाए, कितने सारे कार्य किए बीजेपी ने हमारे लिए और पूरी जगह भगवा। तो ये क्या है? आप क्या करते हैं? मैं सीएस में, मेरी गवर्नमेंट जॉब है। सीआईएस आप फोर्स में, अर्धसैनिक बल में हैं और यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? यस सर, आज ही मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया। अरे योगी तो हमारा राम है। मोदी जी को कुछ नया करना पड़ेगा। मोदी जी को एक बात गोली लेनी पड़ेगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला ना वरना ये सब बोल मत, सब गोली मेडिसिन 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 लेनी पड़ेगी। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 November 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। तो गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं और सारे जर्नलिस्ट जा रहे हैं वहां पे, तो मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जब बच्चों से गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछा कि भाई आपके अप एंड कमिंग यूथ लीडर्स कौन है, और किसी ने भी जयशाह का नाम नहीं दिया। मैं यहाँ टीवी के इस तरफ से जयशाह 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 चिल्ला रहा था। उसमें तूने देखा कि 5 लोग बैठे हुए थे पेड़ के एग्जैक्ट एक्सट्रीम राइट में, एक जो बंदा बैठा हुआ था वो एक्सट्रीम राइट विंग था, और उसने कितने प्यार से वो शुरू ऐसे सब किया है कि प्रॉब्लम क्या है। उसने बोला कि फीस बहुत ज्यादा है गुजरात यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेजेस में कोई रेगुलेशन नहीं है, ये सब बोल के फिर आया सरकार जिम्मेदार है। वो पैदा हुआ 2002 के बाद। नहीं नहीं, सरकार जिम्मेदार है तो दूसरा वीडियो है ये। लाइक अ सेन कॉन्वर्जेशन गुजरात यूनिवर्सिटी में। तो बंदा फिर एंड में बोलता है कि आपने देखा है 2002 के बाद कभी कर्फ्यू नहीं हुआ है। मैं तो उसके पहले पैदा नहीं हुआ था, बट मेरे डैडी बोलते हैं कि हमेशा कर्फ्यू लगता है। यू हैव सीन नो कर्फ्यू लास्ट 20 इयर्स। अरे उसने तो ये भी बोला ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं चली, पॉलिटिक्स नहीं चली। और उसने सबसे बेस्ट मेरा फेवरेट था कि मनीषा ने उसको पूछा कि ये गर्भा में नहीं आने देते हैं, नो मुस्लिम्स अलाउड वो सब करते हैं, तो आपको ठीक लगता है? तो बोलता है कि नहीं, आना तो सबको चाहिए, माता जी का त्योहार है ये सब वाला, लेकिन ये भेष बदल के नहीं आना चाहिए। अब मुझे बता, भेष बदल के मुसलमान नहीं आना चाहिए, मतलब मुसलमान को कैसे आना चाहिए? नाउ टेल मी, व्हाट इज भेष बदल के आने वाला मुसलमान? सुरमा लगा के, टीका लगा के, सुरमा लगा के, दाढ़ी बढ़ा के, ये होना चाहिए, ये भेष होना चाहिए, बिकॉज़ दैट्स व्हाट। लेकिन कुछ लोग भेष बदल के आ जाते हैं, वो उससे मुझे प्रॉब्लम है। मुझे पूछना ये है कि मुसलमान नॉर्मली कैसे आता है, मतलब हाउ डज अ मुसलमान ड्रेस अप? लाइक घोड़े पे आता तलवार लेके। और उसको इसने भी, अतुल ने भी उसको पुशबैक नहीं दिया, ये भेज बदलना क्या होता है, व्हाट दे वर गोइंग सॉफ्ट ऑन हिम। बाकी बच्चे जो थे आई थिंक सॉफ्ट रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब वो आउट नंबर, टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो उसने बहुत, बाद में पता चला कि वो डायमंड मर्चेंट है का बेटा है, समथिंग लाइक दैट। तो नहीं सुना था ना? तो जब पूछा कि अडानी का पोर्ट का जब चला भी जाएगा वो, हाँ हाँ, अरे अडानी के पोर्ट में एक लड़के ने बोला कि इतने हजार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है, बट उसके बारे में कोई फॉलो अप न्यूज नहीं आता है कि क्या एक्शन लिया गया, एनीथिंग लाइक दैट। तो ये लड़का बोलता है लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वो गुजरात है, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट है इधर का, और आपको अडानी से प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बोला उसने। ये नहीं, और लेकिन एक चीज मैंने देखी, और जो दूसरे लोग थे थोड़े गवर्नमेंट क्रिटिकल भी थे वो भी, लेकिन ये नहीं बोल पा रहे थे, वो बोले पुलिस ने अच्छा काम किया है वो भी। बट तू समझ रहा था ना, उसमें एक बंदा मुझे लग रहा था एनएससीओ आई का लड़का है, ठीक है, वो जो हाँ दो तीन लग रहे थे मुझे तो एक्चुअली, और एक दो तो मुझे डर ऐसा लगा कि नाम पूछ लेंगे तो पता चलेगा कि मतलब वसीम खान, हाँ, फिर पब्लिक बोलेगा यार इसके ओपिनियन ओपिनियन रिजेक्टेड, नेम डिटेक्टेड, ओपिनियन रिजेक्टेड, ये राइट मीम फॉर्मेट है। अरे तो भाई वो वीडियो देखा, जो वीडियो कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, महंगाई चलेगी, ये चलेगा, पर हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। बट वो योगी का रैली था ना, तो व्हाट बेटर डू यू एक्सपेक्ट? आई डोंट नो व्हाट आई एक्सपेक्ट इन योगीज रैली, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वो बोले कि सोशल इक्विटी चाहिए, क्या क्या बोलेगा वहां पे लोग? आएगा लाल झंडा, कम्युनिज्म आएगा,
नहीं मतलब मैं मुझे ये नहीं समझ, एक तो ना मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चाहते हैं लोग। और भाई इतना हेट है ना, ओलंपिक्स, ओलंपिक्स 2036 ओलंपिक्स चाहते हैं लोग, 2036 भाई, अरे उसके अहमदाबाद बारे में में होगा ना। तो हाँ अहमदाबाद ओलंपिक, क्योंकि 1936 में कहा हुआ था याद है ना, वन हंड्रेड ईयर्स कॉमेमोरेशन, सेंटेनरी सेलिब्रेशन। लेटर फ्रॉम द नाजी पार्टी टू द आर्सी बट तू पार्टी। एक और चीज देख रहा है ना कि अभी गोइंग अहेड अ लॉट ऑफ कंट्रीज मे नॉट वांट टू होस्ट द ओलंपिक्स। ठीक है, वी विल रीच अ पॉइंट वेयर होस्टिंग एन ओलंपिक्स इज रियली लाइक वेस्टफुल। अरे एवरी वर्ल्ड इवेंट, तुम किसी भी मेजर सिटी में किसी ऐसी जगह हो रहा हो जहां पे लोगों को थोड़ी बहुत सिविक सेंस है, एवरीबडी अपोजेज इट। एलए मुझे अपोजेज बताओ, इट, अपोज तो छोड़ दो, बॉस्टन मुझे बता, अपोजेज इट, एवरीबडी अपोजेज इट। अभी कतार में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, जब हो जाएगा इसके क्या करेंगे इन स्टेडियम्स का? कुछ नहीं, मेनी ऑफ दो स्टेडियम्स आर बेसिकली डिसमेंटलेबल स्टेडियम्स। तो वो जो स्टेडियम 784 ऐसा कुछ है ना वहां पे, वो सेवन एटी बेसिकली सिक्स नहीं वो है क्या? सॉरी। आई डोंट नो, 784 भी नहीं होगा, कुछ नंबर है बेसिकली। इट इज दोज मेनी नंबर ऑफ दोज, वो जो ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स होता है उससे बनाया हुआ स्टेडियम है। तो दे विल जस्ट डिसमेंटल एंड देयर विल बी नो नो इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड। 50 डिग्री सेल्सियस में क्या ही हैबिटेट करोगे उसके अराउंड में? तो यार ये मुझे नहीं यार, पता रात को 11 बजे किक ऑफ स्टार्ट हो रहा है भाई, टू अवॉइड था। प्लेइंग एंड तो दे आर ऑल्सो मतलब डूइंग मच ऑफ वॉट बीसीसीआई डज, बट टू केटर ईच ऑफ दोज मार्केट। सो वॉट दे आर डूइंग इज अर्जेंटीना के मैचेस या यूएस के मैचेस हैपन एट रफली अराउंड द आफ्टरनून टाइम इन द यूएस और द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो वो उस हिसाब से शेड्यूल कर। नहीं, और ये सिर्फ नहीं, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ था कतार में एक साल पहले, तो मैराथन जो है वो रात को 12 बजे शुरू बारह किया था बजे हाँ, और उन्होंने कोई तब चॉइस? भी। दी स्टेडियम्स अराउंड द वर्ल्ड, मैराथन, बताए ना कतार में मैराथन दौड़ना तो मतलब लिटरली डेथ भाई, सेंटेंस। जो वर्ल्ड चैंपियन है शी पुल्ड आउट इन द मिडिल ऑफ द मैराथन, शी कुड नॉट, लाइक पीपल वर ड्रॉपिंग, और इसमें दैट इज हाउ बैड इट वाज। स्टेडियम इज कूल्ड राइट, लाइक अंदर एसी टाइप का कोई सिस्टम है व्हिच कीप्स द टेम्परेचर एट 20-25। बट द पॉइंट इज कि इतना वेस्टफुल है। हाँ, तो मतलब उसका एट वन कार्बन पॉइंट फुटप्रिंट देख रहे हैं ना, मतलब हाँ जस्ट बिकॉज यू, और हाँ एजेंडा क्या कर दिया है कि वी वांट टू अलाउ रेनबो हाँ बैंड्स। हाँ हाँ तो इंडिया में होगा क्या इवेंचुअली कि देयर विल कम अ पॉइंट वेयर अ लॉट ऑफ कंट्रीज मे नॉट वांट टू होस्ट इट। लाइक पीपल आर टायर्ड ऑफ दी, वी सी व्हाट मोर डज एन एलए और अ पेरिस गेन फ्रॉम होस्टिंग द ओलंपिक्स? दे ऑलरेडी आर ग्लोबल सिटीज राइट। देन इट विल रीच अ पॉइंट वेयर वी विल बी लाइक हमको करना है नहीं बट लेकिन नो वन लाइक गाइस गाइस, इंटरेस्टेड इन पहले दैट। एलए में, पेरिस में और टोक्यो में ओलंपिक्स होना जरूरी है इंडिया में होने से पहले, क्योंकि तभी तो मोदी जी बोलवाएंगे लंदन देखा, पेरिस पेरिस देखा और देखे देखा जापान। जापान और उसी ऑर्डर में हो भी रहा है। नहीं अगला पेरिस में एक्चुअली, हाँ, अगला उसके पेरिस में बाद। हाँ फिर एलए है। तो इवेंचुअली होगा ये कि व्हेन पीपल डू नॉट वांट इट वी ऑफ कोर्स गेट एन ओलंपिक्स राइट। ऐसा तो नो no, बट कहीं एक कभी नहीं सेकेंड, कर बट सकते। इतना इतना श्योर शॉट है क्या, बिडिंग में है, नहीं होगा नहीं नो डाउट, छत्तीस नहीं तो चल 40 में हो जाए, मतलब मैं वो बोल रहा हूँ। एट बट सम नो पॉइंट दैट्स व्हाट आई यू फील, दैट मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो इंडिया में अगर कराएगा तो जो ओलंपिक्स का जो मेन मार्केट है उसके टाइम जोन में कैसे कराएगा तू, मतलब ओलंपिक्स इज मोस्टली नॉट अबाउट टेलीविजन ऑल्सो, बट टू एन एक्सटेंट नहीं मैं यार बोलूंगा। बट मैं तेरे को हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, चलो कर भी रहे कोई। इतना नाम खराब होगा ना देख अपना, स्टेडियम, देख इतना स्टेडियम नाम में कभी खराब आने होगा नहीं ना, वाला, मतलब मैं स्टेडियम में बता रहा कभी आने हूँ। नहीं वाला देखने, स्टेडियम में कोई अरे आने नहीं जो वाला जो देखने। ठीक एथलीट्स है ना वो इतना कंप्लेन करेंगे ना इंडिया में अगर हो, हाँ क्योंकि तू सोच एथलीट विलेज और ये सब इंडिया में हाँ नहीं है भाई, इंडिया तैयार बट नहीं है और नहीं, वो उनको तो तैयार करना पड़ेगा। बट इंडिया हाइपोथेटिकली भी अगर तुझे करना में पड़ेगा विलेज वो विलेज मिल जाएगा उनको नहीं, एथलीट बट लॉजिकली इफ हाँ यू वेर टू एवर होस्ट एन एथलेटिक विलेज का ओलंपिक्स भाई, गाजियाबाद के आगे 4 किलोमीटर नहीं, तो उन लोगों को क्या एथलीटपुर लगता है कि कहाँ होना चाहिए? मतलब लॉजिकली भी अगर कोई अगर पूछे तो इट इंडिया हैज टू में। बी दिल्ली राइट, बिकॉज दिल्ली हैज सम वेग सेमब्लेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एथलेटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अराउंड थोड़ा बहुत मैं बनाया बोलता था हूं, विच मैं कैन बी बोलता कहीं भी अपग्रेडेड। हो सकता है एक्सेप्ट गुजरात, हाँ, तू वो सब मैं सोच रहा एक्सेप्ट है करूंगा, बट भोपाल में लॉजिकली करवा दो। नहीं, बट लॉजिकली इन सब जगहों में नहीं कर सकते बिकॉज एक तो है गुजरात, बिल्डिंग एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच इज पॉइंटलेस फॉर इवेंट्स लाइक दिस। जहां पे ऑलरेडी है वहां पे तुम कुछ इट कर इज सकते पॉइंटलेस
when you think about it logically, हाँ, but wasteful waste. it is absolutely necessary when you think about it from the point of view कि ये देख मोदी जी ने ये बनवा तो दिया. ग्लोरी वैनिटी है ना उसमें, ऑफ कोर्स. और इवेंचुअली होगा वैसे ही ना कि वो लोग बोलेंगे कि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, देखा मतलब वो डिस्प्लेस्ड और होम्स ऐसे कॉमनवेल्थ के टाइम तो स्कैम में पब्लिक में आ गए थे, तो कुछ पब्लिक अभी में तो आएगा भी नहीं, नहीं नहीं अरे सब नहीं साफ. आएगा. अगर मैं तो बोल रहा हूँ कि एक अगर हो ही जाए ना, तो जैसे तू सोच फॉर व्हाट एवर इट्स वर्थ, कतार से मीडिया का बाहर आना, मतलब न्यूज का बाहर आना है स्टिल मच मोर लाइक लेस प्रॉब्लम. क्या बोलने वाला हूँ मैं खुद ही बोल गया. बेसिकली प्रोबेबिलिटी उसकी कम है एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन वहां से भी आ रही है चीजें बाहर. तो इंडिया में आएगा तो काफी अच्छे से मल्टीपली हो सकती है. पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अनलाइक कतार, कतार में ऑयल है और स्ट्रेट इंडिया अप में सॉइल है. इंडिया में सिर्फ सॉइल है और टॉयल भी है इंडिया में. पर स्ट्रेट अप लाइक कतार से कुछ वो है ना, इंडिया से, इंडिया से क्या है दुनिया को, दुनिया को फर्क पड़ता तो अभी तक आई बात नो होती आई नहीं इंडिया नो की. आई नो आई इट्स नो आई बिगेस्ट नो मार्केट. ओके बिगेस्ट मार्केट कैसे, चाइना नहीं बिगेस्ट है मार्केट सारे जहां से बड़ा मार्केट मार्केट हमारा. हमारा. और वो भी गलत है क्योंकि जो ये लोग बिगेस्ट मार्केट सोचते हैं नहीं वो नहीं 5% का मार्केट है. नहीं तो इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट इन दैट सेंस, लाइक स्मॉल इन द सेंस. हाँ, इट माइट बी अ मिड साइज यूरोपियन कंट्री, ये यूरोपियन यूनियन से, बट नॉट एनीथिंग ऑफ द नहीं, स्केल दैट उसमें पीपल उसमें थिंक. पर कैपिटा नहीं होता, हाँ, उसमें उसमें पर पर कैपिटा नहीं होता, उसमें डिवाइडेड बाय 1 बिलियन नहीं होता. अरे भाई उससे एक छोटी सी बात याद है, किसी ने ट्विटर पे भी रेडिट पे भी मैंने ऐसे एक चार्ट शेयर हुआ है कि लिविंग इन यूएस वर्सेस लिविंग इन हाँ, इंडिया, मुंबई स्पेसिफिकली. मुंबई एंड न्यूयॉर्क. हाँ, मुंबई वर्सेस हाँ, न्यूयॉर्क. हाँ, और क्या मतलब बेसिकली प्रूफ करने की कोशिश करेगी कि मुंबई में यू कॉस्ट ऑफ कैन योर मनी इज वर्थ अ लॉट मोर, तो तुम बेटर वर्थ लाइफ लॉट चाहते मोर इन मुंबई. तो मैंने वो चार्ट देखा, किसी ने मुझे भेजा, किसी मेरे किस मतलब यू नो इंडिया से एक दोस्त ने मुझे भेजा भी. तो आई थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं डिबेट करूंगा इस चीज को, कि नहीं नहीं ये गलत है, और मे बी हो भी, आई डोंट नो. मैंने हाँ भाई मत आओ, हाँ बिल्कुल. मत आओ यहाँ पे, मैं तो बोल रहा हूँ ले यहां से भी ले जाओ सबको, जाओ यहाँ से, खाली करो थोड़ा. बुलडोजर बुलडोजर वालों को ले जाओ. हाँ ये तो मतलब भाई, तुम कितने भी एलीट बोल लो मुझे, आई मीन कम ऑन, एक बार ब्रुकलिन ब्रिज पे जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है मतलब. इट्स ऑल्सो द थिंग राइट. तो मुंबई में वो लाइक लाइफस्टाइल अफोर्ड लोग आई कर एम नॉट सकते सेइंग हैं. अबाउट लाइफस्टाइल, आई एम जस्ट सेइंग कि यू विल एक्चुअली सी सो मच, लाइक यू विल फील लाइक अ ग्लोबल सिटी, इट विल फील लाइक अ ग्लोबल वो तो सिटी. तू अगर तू पैसे के लिए सिर्फ बोल रहा है कि मैं क्या खा सकता हूँ और ये, वो तो ऑफकोर्स नहीं, नॉट इवन, नॉट इवन दैट, इट यू इन विल सी सो पॉकेट्स मेनी पीपल यू यूज. विल फाइंड अ दुबईश काइंड ऑफ इन पॉकेट्स राइट. व्हाट दीज पीपल आर रेफरिंग टू इज दैट, क्योंकि वो लोग सिटीज को होलिस्टिकली नहीं देखते हैं ना कि हर फॉर देम द सिटी इज वेयर दे लिव राइट. वो गेटेड कम्युनिटीज में फैंसी नेबरहुड्स में रहते हैं. तो फॉर देम, अभी कोई कल बोलेगा रिवर्ट करके कि तुम तो न्यूयॉर्क के फिर बरोज के बारे में क्यों नहीं बात करते, या फिर कोई मतलब यार फिर गेटोस का. उन बरोज को तुम कंपेयर करो ना धारावी से. बरोज बरोज देशों में ठीक है भाई. अच्छा मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ ओलंपिक के ऊपर, कि अगर ओलंपिक अहमदाबाद में होते हैं तो जो ओलंपिक जो पूरा एथलेटिक सेंटर बनता है, आई होप उसका नाम गोकुल धाम सोसाइटी रखा जाए. गोकुलधाम ओलंपिक्स. गोकुल धाम सोसाइटी, क्योंकि जैसे हम लोग हमेशा अपने पॉडकास्ट में कभी कभी डॉक्टर साध्वी प्राची के बारे में बातें करते हैं, आज फिर से मैं एक साध्वी प्राची के एक ट्वीट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा. साध्वी प्राची ने एक ट्वीट किया कि गोकुल धाम सोसाइटी में लोग हमेशा क्यों खुश रहते खुश हैं, रहते हैं क्योंकि जानते हैं अब्दुल क्यों, हमेशा बाहर, क्योंकि अब्दुल सोसाइटी के क्योंकि बाहर रहता अब्दुल है. डीह्यूमनाइज शो ने इंटेंशनली नहीं किया, बट इन लोगों ने, दे हैव रेड इनटू इट. सो व्हाट आई अप्रिशिएट दैट ट्वीट फॉर इज रीडिंग बिटवीन द लाइन, रीडिंग बिटवीन द इनको वर्ड्स. इनको इनको टेनेंट भी दिखानी चाहिए, हाँ, उसमें क्या इस्लामोफोबिया निकालेंगे वो देखना चाहूंगा क्योंकि शो ने तो उसमें. कभी एक्सप्लिसिटली नहीं बताया कि अब्दुल को बाहर क्यों रखा गया है, बट द थिंग इज कि इतना सटल मैसेजिंग होने के बावजूद ये लोग समझ गए. सो क्रेडिट इंटेलेक्चुअल वेयर क्रेडिट कैपेसिटी इज तो ड्यू, है, क्रेडिट वेयर डेबिट इज ड्यू. ठीक इनको मतलब पैसा यार कैसे, मतलब आप द सपोजिट कॉमेडी में भी इनको हेट ही है, मतलब इट्स नॉट इवन कि यू नो हेट है बस, और कुछ भी नहीं है, मतलब उनके लिए हेट ही कॉमेडी है, हेट ही कंटेंट है, सब कुछ हेट. हेट ही जोक्स है भाई, हेट ही लाइक देयर जोक्स आर आल्सो लाइक अ फॉर्म ऑफ हेट. अभी मैं पुनीत पन्या का एक वीडियो देख रहा था रिसेंटली, वेर ही इज रिव्यूइंग दीज राइट विंग मीम्स. बेसिकली देखना, 90% ऑफ द मीम्स आर बेसिकली दिस, जस्ट पंचिंग डाउन ह्यूमर. और इधर वेमेन
और और एनी एनी ग्रुप खासकर लिबरल वुमेन, खासकर हाँ लिबरल वुमेन और ऑब्वियसली मुस्लिम्स। अभी जैसे वो जो मैं ये बोला ना, न्यूज लॉटरी जो योगी आदित्यनाथ की रैली में किया और वहां पे लोगों ने ऐसा, उसमें एक ने बोला कि योगी हमारा विष्णु है, योगी हमारा क्या क्या तो बोला लोगों ने। हाँ एनीवे, तो फिर उन्होंने ट्वीट किया तो उस पर कुछ संगी लोग आ गए और उन्होंने ऐसे रीट्वीट किया कि तेरी जली ना, दैट्स देयर जोक, तेरी जली ना, बस मजा आ गया उनको बोल के। हाँ वो बर्नॉल वाला कितना साल, मतलब कितने ही साल चला, हाउ इज इट एनी डिफरेंट। ये भी होता है ना, जो पाकिस्तान के साथ मैच जीत गए तो टीवी टूट गया, विच इज बीन दिस रनिंग गैग फॉर लाइक लास्ट 30 ईयर्स। अरे ये तो मैं तो बता रहा हूँ, ये तो लिटरली आजकल क्या है कि बिकॉज आई एम वॉचिंग अ लिटिल बिट ऑफ केबीसी इन द बैकग्राउंड, तो बिग बी हर एपिसोड के शुरुआत में और अंत में आई एम 100% श्योर एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे आ जाता है जो कि वो पढ़ते हैं, जिसमें रैंडम यू नो अंकिल वाला ज्ञान होता है। तो उसमें अपेरेंटली कोई अभी वर्ल्ड टेलीविजन डे था जिसमें भाई साहब जो है कुछ तो ऐसे कविता टाइप यू नो पढ़ रहे, मतलब तो सोच वो बंदा जिसके पिताजी वो तो वो लिटरली व्हाट्सएप लेवल की वो पढ़ रहा है मतलब, और फ्रॉम मधुशाला टू टीवी शाला पे आ चुके हैं वो। और उसमें एक लाइन थी कि कैसे, अब क्योंकि टेलीविजन दिवस पे था तो कुछ तो ऐसे लाइन थे, और जो कि उनने बड़े स्टाइल से ऐसे यू नो सरकास्टिकली, पड़ोसियों के टीवी टूटे क्रिकेट वाले मैच के दिन और सॉरी ऑडियंस यार, और वो ऑडियंस भी हंस रही है, फेक लाफ्टर भी है, सब कुछ हो। और तो देखना कि ये कितना और ये सेट्स, रेलेवेंट कब है एग्जैक्टली, पिछले 2 वर्ल्ड कप से तुम ज्यादा मतलब दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन यू, क्या कौन तोड़ रहा टीवी। उसका कोई मतलब नहीं है ना। अभी दूसरा चीज ये है कि ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाला तो केबीसी वाला बोल रहा है, दैट इज सच अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम कि तारक मेहता क्रिएट्स व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एंड तारक मेहता रेफरेंसेस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स इन द शो। ऐसा एक मेटा है ना वो, मतलब रेफरेंसिंग उनका, मतलब तारक मेहता के बेस पे मीम्स बनता है ये सोशल मीडिया सर्कल्स में, और फिर भाई तारक हर मेहता के जगह, शो में वो अरे मीम्स याद आया कि मीम्स। अभी वो चल रहा है गुजरात में वर्ल्ड कप बोलने वाला था मैं, सॉरी कतार हाँ, गुजरात का में वर्ल्ड, वर्ल्ड कप चल रहा गुजरात का यही वर्ल्ड कप है ना, है, कतार में वर्ल्ड कप चल रहा जहाँ पे है तो बेसिकली किसी किसी का वीडियो देख ले, लल्लन टॉप वाला सब वीडियो, मोदी जी हैं और किस नहीं, मोदी जी इज बेस्ट, इतना अच्छा वर्ल्ड कप कतार में भी में क्यों, बट हु हर जगह में नोज बेस्ट हु है, नोज। वर्ल्ड कप में सुनना भी। सुनना सुनना, तो उसमें ना कतार ने ना इनवाइट किया जाकिर नायक को अपने वर्ल्ड कप में, बस मिल गया। तो अरे मिल गया से छोड़, बीजेपी का स्टेटमेंट आया है कि इंडिया शुड बॉयकॉट द वर्ल्ड कप। मेरा सवाल है कैसे कैसे करेंगे हम ये। जैसे ऑस्कर्स चलो को चलो, करते हैं बॉयकॉट। लेट्स से मैं करना चाहता हूँ बॉयकॉट वर्ल्ड कप को, तो हाँ, मतलब व्हाट क्या इज द करूँ प्रोसीजर टू बॉयकॉट द वर्ल्ड कप प्लीज। मैं इंडिया की टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा इस वर्ल्ड कप में भाई, सब बात। ब्राजील और अर्जेंटीना को नहीं कर सकते तुम, जैसे ये लेफ्टिस्ट लोग करते हैं ना, है बंगाल और केरल में, केरल केरल बोलने में बहुत मजा आता है। मुझे ये नहीं समझ आता कि मतलब क्या लोग बोलने से पहले सोचते नहीं है कि लेट्स लेट्स बॉयकॉट द फीफा वर्ल्ड कप। देख जो जो इनका ऑडियंस है ना, मतलब बेयरली फंक्शनिंग ह्यूमंस, ये चीजों को करने के पहले नहीं सोचते हैं, तू बोलने के पहले सोचते भाई, तो उनके लिए ये काफी, उनको लगता है कि हम साथ में जुड़ के कुछ कर रहे हैं। इट्स ऑन मतलब इट्स द सेम थिंग एज कि जैसे मामा जी ने बोल दिया था सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कि चीतों के नाम बताइए सजेस्ट करिए, और सब चीतों नाम बायकॉट ही क्या तो कर ही फाइनली रहे वो थे। पता चला गया क्या, आई हैव खबर है नो अच्छा। आइडिया, आई हैव नो आइडिया। नरेंद्र जसोदा, मतलब ऐसा कुछ नहीं नहीं होगा। नहीं ये नहीं हो नहीं सकता। नहीं तो मतलब बेसिकली है वही कि कुछ भी करा दो विद एंड पीपल विल थिंक कि अरे हम तो कुछ यू नो बड़े में शामिल हो रहे हैं, मतलब तो मतलब एवरीथिंग इज लाइक इसी दिन बिकॉज़, मोदी जी बोलेंगे ना साथ में बैठ के हगो सारे लोग, तो हग देंगे मतलब सड़क पे। क्योंकि गिनीज बुक रिकॉर्ड्स में हाँ ऐसे। गिनीज बुक में नाम आने था। बट तूने ये जोक नहीं सुना है कि ये भी एक राइट विंग मीम ट्रोप है, जिसमें कि सारे हिंदुस्तानी अगर एक साथ अगर मुंह दें तो चाइना में बाढ़ आ जाएगी और समथिंग लाइक दैट, और या पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। चलो चाइना के साथ तो दे कैन ऑल्सो डू द सेम, सो शायद हमारे यहाँ वाले कर भी देंगे तो मतलब हाँ, वो तो उनके पास मशीनरी भी होगी पहुंचाने की। और वो शायद थोड़ा हाइट पे भी है अपन से, हाँ तो ऐसे हाँ, नीचे भी आएगा, नीचे भी अपन को तो आएगा, ऊपर जाना पड़ेगा, हमारे लिए डिफिकल्ट हमारे है, और प्लस लिए हिमालयन डिफिकल्ट है, हिमालयन हिमालय क्रॉस टेरेन करके भेजना फ्रीज भी हो जाएगा, क्या है। हाँ करोगे।
तो पाकिस्तान को अपन बहुत कुछ कर सकते कर हैं सकते हैं, तो वो नहीं? लोग ये बोलते हैं, मतलब इट्स अ लेजिट मीम जोक, व्हाटएवर यू कॉल दैट यूज, और उसका वो मीम भी बनाते हैं, मतलब लिटरली लाइक वो हैंड ड्रॉन होता है ना, और स्क्रिबल किया हुआ थर्ड थर्ड ग्रेडर इंडियन का सुसु कर रहे कार्टून ऐसा ऐसा ऐसा। मीम हाँ ऑफ कोर्स, पाकिस्तान पे, हाँ क्यों भाई? दीज मीम्स मतलब आर बेसिकली, ये भक्तों में क्या है, इट्स अ वर्जन ऑफ गिविंग ईच अदर अ हैंड ड्रॉप काइंड ऑफ अ थिंग, ये अपने आप में करके खुश हो जाओ। वो तो सभी कुछ वैसे ही है अभी। हाँ दैट्स इट। अभी देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना की बात करी तुमने, तो वो कौन है वो हमारे डीजीपी जीपी क्या नाम है आर्मी के, मैं बता दो जो तुमको, भी है जिन्होंने जो बोला कि भी योगी हम आदित्यनाथ, अभी योगी आदित्यनाथ नहीं, मैं बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ नहीं, सब है जो ये को बना सकते हैं फ्यूचर में। अरे वो इंडियन आर्मी, उन्होंने उन्होंने बोला वी आर फुली प्रिपेयर टू टेक बैक पीओके फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर वेटिंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी विल कंप्लीट द हाँ हाँ ऑपरेशन हाँ हाँ क्विकली, ये हाँ ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ तो उसमें ऋचा चड्ढा ने बोला गलवान सेज हाई, और पब्लिक तो छोड़ दे, तुम्हारा शिव अरू टाइप के लोगों ने न्यूज शोज कर दिए, भर दिया भाई टीवी। न्यूज़, और वो न्यूज़ शो पहले इतने भद्दे, और न्यूज़ शो हाँ में कैसी फोटो शिव अरू ने खींच बोला रही कि है, बिगली शिव क्यों अरू पहन रही हो। अरे शिव अरू सबसे कितना पहले तो इसने तुच्छा शुरू किया आदमी है ना, ना, इतना अरे शिव अरू तुच्छा के आदमी है पहले ना। सबसे तुच्छा तो तुम्हारा वो है कनाडा, नहीं वो तो है ही, मतलब इट हर्ट्स। ही बेसिकली इज अनलीशिंग दिस ट्रोल आर्मी, उसको पता है ना कि वो डिसऑनेस्ट है वो आदमी, मतलब वो बेवकूफ तो है ही बट वो बहुत डिसऑनेस्ट भी है, उसको पता है कि किस चीज पे क्वेश्चन हो रहा है, एंड ही नोज दैट ही हैज दिस मार्केट सो एज टू स्पीक विच इज सेंटर्ड अराउंड आर्मी ब्रुक्स, तो इसीलिए बट उसी वो तरह भी का उसकी मूव। मूवी फ्लॉप भी होती जा रही है ना फिर भी। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बट इट्स अ कैप्टिव ऑडियंस, उसको लगता है मूवी फ्लॉप कि इसलिए होती है क्योंकि ट्विटर पे रीट्वीट करना और क्यूटी करना इजी है आई घर में नो आई बैठ के, नो, और मूवी देखने के लिए उठ हजार के जाके रुपए की टिकट टिकट। देखना पड़ेगा। हाँ वही वही वही। हाँ जैसे ही व्हाट्सएप को 5 रुपए का दाम भी लगा दो ना व्हाट्सएप में, तो देखना है व्हाट्सएप खत्म फॉरवर्ड कितने जल्दी बंद होते हैं, मस्त खरीद लो मस्त खरीद ले व्हाट्सएप, व्हाट्सएप और मस्त 8 डॉलर खरीद लगा ले ले। मेरे भाई। हाँ हाँ मैं देगा सपोर्ट तेरे, अरे मैं आ पांच जाऊंगा डॉलर व्हाट्सएप पे तू 5 रुपए वापस। में बोलो, अगर व्हाट्सएप में मतलब एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड ने भेजने के 1 रुपए लगे ना, तो ये छोड़ दिए चचा लोग भेजना। अरे व्हाट्सएप फॉरवर्ड छोड़ दे, डाउनलोड करने के तू लगा दे 100 रुपए बस, तूने पता है एंड ये इट विल बी जो डन। ये प्री व्हाट्सएप एरा में ये जो फॉरवर्ड इक्विवेलेंट कैसे होता था, एसएमएस से जोक्स आते थे लिटरली, विच गॉट लिटरली क्या हो गया कि फ्री एसएमएस पैक्स का बहुत इंडिया में फैट था ना, कि अरे फ्री एसएमएस, मेरे को 500 SMS महीने का फ्री मिलता है तो कुछ भी भेजेगा लोग, तो लिटरली दैट स्पेस गॉट टेकन ओवर बाय व्हाट्सएप उतने, जस्ट दैट इट्स मेड थिंग्स अ लॉट इजियर कि एक क्लिक में एक ग्रुप में और थोड़ा ग्राफिक्स ग्राफिक्स बेटर है, बेटर है बस उतना ही। पर भाई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये लोग, इन लोग को पता नहीं कि गलवान में एक्चुअली मतलब नहीं पता होता है ना, तू उस इकोसिस्टम में रहेगा कैसे पता चलेगा, अक्षय नहीं, कुमार आई को थिंक अक्षय देखोगे। कुमार को पता नहीं, मेरे को लगता है हाँ अक्षय हाँ कुमार को डेफिनेटली पता है, बट ही इज जस्ट बीइंग एन एसेट अरे बिकॉज़ ही इज वन। एंड स्पेशली बिकॉज इफ इट्स अ फीमेल एक्टर इट्स अ लॉट इजियर फॉर हाँ दीज ट्रोल्स टू गो या आफ्टर। हाँ मतलब शिव अरू ने जो किया है ना, मतलब दैट इज, एंड इट्स नॉट द मतलब तू फर्स्ट शो टाइम, करना छोड़। हाँ, अरे वो उसके टाइम पे भी आज तक ने वो किया ही था रिया ना, चक्रवर्ती रिया से, रिया के तो टाइम पे भी एक शिव अरू ने शिव अरू कर के जो लिया यार, मूंछे हैं ना उनको पकड़ के एक मजा शिव कर। अरूर इज बेसिकली तेरे फैमिली में जो एक कजिन होता है जो काफी रेस्पेक्टेड है फैमिली सर्कल्स में, क्योंकि वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता है और समथिंग लाइक दैट, और वो फंक्शंस में आके कुछ भी ज्ञान देके जा सकता है, उसको लोगों को लगता है बहुत ग्रेविटास है उसमें, बड़ो करता बकवास है, वो अंकलियत ही है उसमें और कुछ है नहीं उसमें। अंकलियत से एक दूसरे न्यूज शिव पे लेके अरूर जाऊं की मैं मूछें तुमको, जिस दिन शेव ऑफ हो गई ना, शिव अरूर उसकी की आधी शेव आधी ऑफ भी निकल छोड़ जाएगी। दे, शेव ऑफ भी छोड़ दे, बस उसका वो जो कर्वेचर अगर गया ना, तो ही विल बी अ जोकर विच ही लाइक द रियलिटी विल इज ही एनी डॉन। लेस ऑफ वन नाउ? नो नो नो, आई मीन इवन फिजिकली ही विल बी देन, हाँ बिकॉज अभी क्या है ना, वो एक इमेज बनाई है कि वो हमेशा उसका वो हमेशा वो आर्मी का एंगल हाँ लेके तो आता है, वो तो हमेशा आर्मी किसी को उससे कवर इंटरव्यू करते करेगा। हैं तो मूंछ भी आर्मी हाँ को कुछ मूंछ बना वैसे। दी, बस बस वो उसका भी है ना, उसमें एक और है ना जो जो बनता है आर्मी, गौरव सावंत, तो उसकी गौरव मूंछे नहीं सावंत है उसकी मुझे नहीं, पर बट वो वो दो दो करता मही, वो वो 2 महीने था आर्मी में, तो बस डिमीनर पर, गौरव आर्य भी एक है, एक गौरव आ रहा है, ये सावंत नहीं शायद आ रहा है, ये क्या कौन है? नहीं नहीं सावंत आर्या भी है, गौरव सी सावंत दोनों इज द दोनों सी स्टैंड्स फॉर गौरव सेंट्रिस्ट। सावंत जो है वो कवर करता है आर्मी को, गौरव आर्या क्लेम करता है कि वो आर्मी में रहा हूँ, गौरव आर्या ऐसे बात करता है, बरखुदार मैं आपको ये बात बता दूं, मतलब इस स्टाइल का। बरखुरदार सुनो तो नहीं अगर आप मेजर एक हो या जनरल हो तो बरखुदार तो बन, बरखुरदार तो बनता बनता है।
तो बहुत फायर पावर है तुम्हारी मोहब्बत में, अपने अपनी फीलिंग्स को कैमोफ्लाज मत करो। सुनो, डांसिंग टू ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड प्लेइंग देम विद इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ शोज हाउ इंडिया रूल्स द हार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। दिस शोज द फ्यूचर ऑफ गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया विच विल बी ऑफ आर्ट एंड कल्चर एज वेल एज ऑफ ट्रेड एंड अदर एरियाज, सेड अनुराग ठाकुर इन दिल्ली। अच्छा एक सेकंड, सेंट्रल एशिया से तो आया है अपना बहुत सारा चीज। ये नहीं बोलते, सुनो तो सही भैया, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग इन चाइना, वो चाइनीज वर्जन ऑफ डांसिंग विद द स्टार्स, वो सब जो है उसमें भी तो कितने वीडियो वायरल होते हैं, चाइनीज सिंगिंग इंडियन, बट वो अलग है ना, इंडिया का आज कल्चर वो नहीं चलता है। नहीं बट आज है कल्चर, आमिर खान अर्न्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन चाइना, वो क्यों नहीं कमाता है तुम्हें? तुम्हारा जलेबी समोसा से लेके म्यूजिक के इन्फ्लुएंस तो सेंट्रल एशिया से काफी सारे चीज पहले आ चुका है। अनुराग ठाकुर इज नॉट रॉन्ग, जस्ट बिरयानी भी आया है गोइंग बैक इन, इट्स बेसिकली देयर कल्चर व्हिच दे आर स्टिल enjoying, तुम अपना क्लेम करने के लिए घुस गए हो बीच में। वो जो मीम नहीं है जिसमें केक कट रहा है और वो एक हाथ हाथ बस आया हुआ है बिना चाकू कुछ, वो है अपन। देखो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप मेरे को प्रॉब्लम बता किस चीज की। हाँ कल्चर है इज एन इम्पोर्टेंट वे टू कैंड स्प्रेड लाइक यू नो सॉफ्ट पावर फॉरेन पॉलिसी में जो भी है, पर आप वो भी लोग हो जो मतलब एक्टिवली कल्चर को मतलब ध्वस्त भी कर रहे हो, ये भी तो देखो ना। और आई मीन अंकल से मुझे ये बात याद आई थी कि ये ऐसी बात जो अंकल ही करता है कि जैसे तू सोच तू सुन तू जैसे तू एयरपोर्ट में बैठा हुआ है, तू मिला किसी से इससे, उसने बोला कि ओ यू फ्रॉम इंडिया, शाहरुख खान, ओ यू नो शाहरुख खान, और व्हाट अदर मूवीज डू यू वॉच बेटा। फिर तो सोचना है कि ये लोग जो बोल रहे हैं बॉलीवुड का ये सब का जो सॉफ्ट पावर जो बोल रहा है जॉर्जिया आर्मेनिया वगैरह में सब भी पब्लिक मतलब कुछ भी रैंडम हिंदी मूवीज देखता है, बट नाउ यू टेल मी इफ एवरी बॉलीवुड मूवी इज लाइक वो अक्षय कुमार वाला पृथ्वीराज चौहान या फिर वो अभी क्या बनाया था राम सेतु, तुम्हारा क्या सॉफ्ट पावर रहेगा भाई? राम सेतु मुझे लगा था लेकिन कितनी हिट होगी और ये कोई देखने नहीं गया राम सेतु भाई, वही आगे चली गई। एक तो दिवाली इवन वो कोमल नाटा टाइप के लोगों ने भी ऐसा बोला कि मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कैरिकेचरिश, हमें देखनी पड़ेगी क्या मूवी पब्लिक को बताने के लिए? कुछ वैसा ट्विस्ट किया है क्या लास्ट मोमेंट में, राइट से आके लेफ्ट से निकल गए? नहीं अरे राम सेतु अरे ये तो काबा है ऐसा। अरे वैसे अक्षय कुमार विल डू दैट, राइट से आके लेफ्ट से निकल गए, दिस इज लाइक जबलपुर के स्कूटर ड्राइवर मोटर बाइक का राइट से आके लेफ्ट से निकल गए। एक और चीज इससे आ रही मुझे कि मोदी जी की जान पे खतरा का न्यूज आ गया, तुम्हें पता है ना गुजरात इलेक्शन के जस्ट पहले, ऐसे इलेक्शन आता है मोदी जी को खतरा होता है। अभी अभी तो देखो उस आदमी ने वहां पे पुल ऑफ किया पड़ोसी ने कप्तान साहब, स्कीपर पैर पे गोली, मतलब स्कीपर को उससे ज्यादा ऑब्वियस बनाना नहीं था क्या? LBW अरे मतलब ये तो बेसिकली मुझे वो हिंदी फिल्मों की याद आ गई जहाँ पे वो अपने दोस्तों को पैसे थे मतलब उसको छेड़ना फिर मैं उसको पीटूंगा वाला वैसा वाला। तो मोदी जी में उतना भी मोदी जी में उतनी भी करेज नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने सुपारी दी है। नहीं बट मोदी जी को क्या है कि मोदी जी का दो प्रॉब्लम है ना, एक खुद का ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि नो वन कैन टच मी आई एम आयरन मैन वाला फील, तो वो भी रखना है कि मेरे आसपास का शील्ड नहीं ब्रीच हो सकता है, और दूसरे साइड में ये भी दिखाना है खतरा भी है, तो वो बीच सो ही जस्ट एंगेजेस इन दीज वेरी वीक ट्रोप्स, लाइक किसी के लैपटॉप में एक लेटर लिख दिया कि वी वॉन्ट टू किल मोदी जी ऐसे टाइप का, तो दैट इज वॉट ही हैज, मतलब वो प्लांट करके कि ये प्लॉट टू ये सारा इंटेलेक्चुअल्स को अंदर डाल के, मतलब मोदी जी उतना ही कर सकते। वो मैं ये कह रहा था कि अब तो वो असर भी नहीं पड़ता, अब तो वो बात भी नहीं रही मोदी जी के थ्रेट्स में, पब्लिक भी वैसे रिएक्ट नहीं करती, लाइक एक दिन भी न्यूज नहीं चली पता, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब गलवान से हाई वॉज अ बिगर न्यूज देन मोदी जी पे अटैक्स। एंड पिछले ये तो रही बात, पिछले साल जब उस ट्रैफिक में फंस गए थे मोदी जी, दैट मेड बिगर न्यूज, पंजाब में आने दिए मेरे वो भी, लेकिन उसको भी टाइम हो गया ना, उसको भी टाइम हो चुका है, 2-3 साल हो गए ना उसको भी। मोदी जी को कुछ नया करना पड़ेगा, मोदी जी को एक बार तो गोली लेनी पड़ेगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने बोला ना वरना ये सब बोल मत सब गोली मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पैरासिटामोल, बिकॉज़ शिव अरूर जैसे लोग कांट हैव मोदी जी ना बिकिन ना तो जनता भी दिखेगी। आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू लाइक प्लीज नहीं, इतना रहम करो। मोदी जी ने स्पीच में कहा कि मैंने आई आज कांग्रेस
टू टारगेट टेररिज्म दे स्टार्टेड टारगेटिंग मी. तो मैंने बोला सही किया. गुजरात में मतलब एक फकीरी तो है लोगों में, स्टेट में ना कुछ बात तो एफयूसी के बाद में मतलब ये ऑन अ मोर सीरियस नोट लाइक प्लेसेस लाइक यूपी राइट, यूपी में योगी माइट बी इन पावर बट यू स्टिल सी दैट इवन द मोस्ट मतलब बीजेपी वोटर्स विल हैव अ सेमब्लेंस ऑफ सैनिटी. इतना कल्ट वर्शिपिंग जो गुजरात में है मुझे नहीं दिखता. यूपी में क्योंकि वो कास्ट डायनेमिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एग्जिस्ट किया है ना मतलब एट अ स्ट्रॉन्गर लेवल, तो देयर इज सम बफर इन दैट सोसाइटी जो गुजरात में दिखता ही नहीं है. मतलब आई डोंट नो मतलब मे बी रॉन्ग लाइक टू बी प्रोवन रॉन्ग बट इससे मतलब डिप्रेसिंग कवरेज मैंने देखा. किसी के पास भी चले जाओ अरे वो एक वीडियो था वो साबरमती क्या होता है फ्रंट रिवर फ्रंट ने एक फैमिली को इंटरव्यू कर रहा था तो एक बच्चा पीछे से बोलने लगा है सबसे एंथुसियास्टिक बच्चा है चश्मा गॉगल पहन के उसका बाप बोल रहा है वो उसको काट के बच्चा बोल रहा है आएगा तो मरी ही ऐसे करके बोल के गया. अरे वही ना ये सारी चीजें वही ना मतलब कि इतने ये इतने बेवकूफ लोग है ना कि बेसिकली जस्ट एनीथिंग व्हिच इज क्या बोलते हैं व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ एयर वर्म व्हिच इज इन योर माउथ जो जिंगल बेसिकली एक जिंगल बना दो जो लोगों को याद रहे. गुजरात में एक और चीज दिखता है इसका ऐसा शील्ड है अनब्रेकेबल काइंड ऑफ ये कोई भी प्रॉब्लम है दे लिस्ट बंच ऑफ प्रॉब्लम्स महंगाई बहुत है अनएम्प्लॉयमेंट है सब बोल के फिर इसका जिम्मेदार कौन है. जिम्मेदार तो कोई क्या कर सकता है देश में इतना पॉपुलेशन है क्या होगा. एंड देन एक बंदा बोलता है कि उसके लिए रिजर्वेशन जब तक है तब तक मोदी जी क्या कर सकते हैं. तो वो दे फाइंड न्यूमरस वेज टू जस्ट डिफेंड इनकॉम्पिटेंस. ब्रिज गिर गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन वो वहां पे टिकट नहीं है. गार्ड, जो गार्ड का टिकट बेच रहा था उसने कैसे इतनों को दे दिया और वो लोग जो गए ब्रिज पे वो जिम्मेदार मोदी जी क्या कर सकते हर चीज थोड़ी मोदी. और यार तू सुन जो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट और एट लीस्ट आई मैसेज्ड यू गाइस वो गुजरात बार काउंसिल ने मना कर दिया कि हम अक्यूज्ड का केस नहीं लड़ेंगे. और अक्यूज्ड कौन है वो टिकट कलेक्टर जिसकी वैसे भी नौकरी चली जाती है अगर वो मतलब बोलता कि नहीं इससे ज्यादा नहीं मतलब पिक द वीकेस्ट बेसिकली नहीं. और उसमें लोग खुश भी हो जाएंगे और ये आज तक टाइप के चैनल जो है वो उसको ट्विस्ट करके न्यूज भी चला देंगे इमीडिएट जस्टिस के वो नहीं करे. हाँ मतलब कि नहीं उसमें भी बार काउंसिल की वो हो जाएगी कि वाह क्यों करें उनको हम पैसे वेस्ट करें उन मतलब एंड द ओन. सो जस्ट नहीं नहीं जस्ट टू फिनिश द अर्लियर थॉट क्या बोल रहा था मैं कि हाँ द ओनर मैं बोल रहा था कि अभी तक आई थिंक वो रवीश का एपिसोड सबने देख ही लिया होगा रवीश कुमार का जिसमें वो ओनर ने बुक लिखी है जिसमें इंडियन इज डिक्टेटर और जो फैसला दो मिनट में नहीं लिया गया वो तो फैसला ही नहीं होता इस टाइप की चीज वो तो फैसला बाद हो जाता है. तो नहीं हाँ तो भोपाल से अभी एक फोटो आई है एडमिशन्स एक पैम्फलेट एक एड एक एड है विच आई विल रीड इट आउट. एडमिशन्स ओपन जलोटा एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स जहाँ भजन गाना सिखाया जाएगा. जलोटा जी के नाम पे अरे जलोटा एकेडमी उनकी विद हिज फोटो जलोटा जी तो चले गए ना कि है अभी अरे है अभी तो मूवी में थे एक्टिंग किया था हमने मूवी में बने थे सॉरी नरेंद्र चंचल चले गए सॉरी माय बैड मैं कंफ्यूज हो गया था उस सेम यूनिवर्स बट डिफरेंट कैरेक्टर अमीरा जब हम पैदा हुए जग से और वो सिर्फ म्यूजिक नहीं वो स्पिरिचुअल म्यूजिक वाली है मतलब वहां पे वाले गाने भी चलेंगे. नहीं वैसे उसमें लिस्ट उसमें एक लिस्ट भी है उसमें एक लिस्ट भी है तो स्पिरिचुअल म्यूजिक वाले में क्लासिकल एंड लाइट म्यूजिक भजन फोक म्यूजिक सिंथेसाइजर गिटार गिटार भी जाएंगे ओके स्पिरिचुअल गिटार देखा जो तुझे यार मन में स्पिरिचुअल गिटार और सितार नहीं सिखा रहे बताओ वो छोड़ो मुझे ये बताओ गुजरात के लिए मोदी जी ने संकल्प पत्र जारी किया है उसमें $1 trillion इकोनॉमी गुजरात के लिए बना रहे हैं सिर्फ गुजरात के लिए भाई 5 trillion ऐसे को तो पूरे इंडिया के लिए था उसमें से 1 trillion सिर्फ गुजरात में जाएगा वही है ना गुजरात अकेले में होता है डेवलपमेंट सारा फैक्ट्री बन जाएगा ठीक है दूसरे जगह कब बना रहे हैं कब बना रहे हैं टाइम नहीं देते फील देते हैं फील टाइमलेस बन जाएगा मोदी जी इज टाइमलेस 20 lakh employment opportunities का साल में
5 साल में, ये नहीं बोला बस है, ठीक है आ जाएंगी, डोंट वरी। फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स, लड़का निकल गया है, लड़का निकल गया है, बस पहुंचने वाला है। 20 लाख दिस इज जस्ट अ नेक्स्ट लेवल, दिस 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाला। I go back to that news laundry kid on the right, yeah, black t-shirt. बंदा बोलता है कि ये तो हर इलेक्शन में आप देखते हो 20 लाख 20 लाख, so you would think वो क्या बोल रहा है कि promises are not being fulfilled. नहीं, उसने बोला ही ये तो actual employment का तो यहाँ पे दिक्कत है ही नहीं, वो नहीं। तो लोग मांगते रहते हैं। मैंने भी देखा employment का कोई problem ही नहीं गुजरात में, तो लोग मांगते रहते हैं, गरीबी का बहुत है हमारे पास, हमको हिंदू चाहिए, ऐसा बोला। हाँ, ऐसा वो तो लोग मांगते रहते हैं। फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स, केजी टू पीजी, केजी टू पीजी राइट पे हो रहा दोस्तों, इसीलिए exactly, और कोई पॉइंट नहीं है, और कोई रैंडम रीजन नहीं है उसका, मतलब दिस इज। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई 27 साल से आपकी गवर्नमेंट है, 8-10 साल से देश में गवर्नमेंट है, तो अभी तक क्यों नहीं किया? 27 साल में केजी टू पीजी तो कितने लोग पहुंच गए होंगे। हां, केजी टू पीजी टू पता नहीं और कितने 5G तक आ गए हम। फिर यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन गुजरातियों के लिए स्पेशल है, ये यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो ये लोग बोलते हैं ना कि परमानेंट पीस आ गया और क्या कि कर्फ्यू नहीं होता है, भाई कर्फ्यू क्यों होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं ना जब लोगों को ही नहीं रखा है तुमने, शहर से बाहर भेज दोगे लोगों को, बाहर कर दोगे लोगों को, गोकुलधाम के बाहर रखोगे, गुजरात का नाम गोकुलधाम होना चाहिए स्टेट का, गुजरात इज वन बिग गोकुलधाम। पोस्ट ओलंपिक इन 2036, ये तो खैर चलो गुजरातियों के लिए बहुत स्पेशल मीनिंग में रखता है कि 1936 में हमारे उनके हुए थे ने, अब हमारे होंगे फिर। इसमें एक्चुअली ये तारक मेहता जोक, तेरे को पता नहीं? हाँ, और लोग हंसेंगे भी, मतलब फिर क्रिएट एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, डी रेडिकलाइजेशन को एंटी, ओके किसको मतलब, ये तो मुस्लिम कैंप्स जैसा साउंड कर रहा है मुझे थोड़ा सा, तो लोग ऐसा साउंड नहीं कर रहा है। क्या मस्त, मतलब आज दिन की क्या बना, ये देखो क्या रिवर फ्रंट पहले था ही नहीं, रिवर फ्रंट पे तो था ही ना कुछ रिवर फ्रंट, ये पहले कैसे था अब क्या मस्त बन गया, सेम वही चीज, मतलब वो लोग क्या दिखाते हैं कि तुम स्ट्रक्चरल सिस्टमिक चीजों के बारे में पूछोगे, लाइक तू बोलेगा अगर माल न्यूट्रिशन का नंबर्स बहुत खराब है स्टेट में, ठीक है तो जेंडर रेशियो बहुत खराब है, ये सब पे नहीं बात होगा, विल टॉक अबाउट रिवर फ्रंट, मस्त बनाया चलने के लिए मोदी जी, सही बनाया ना, जाओ ऐसा कोई स्टेट, एंड द ब्यूटी इज कि तुम ऐसे एक इकोसिस्टम में रहोगे तो तुमने कोई और रियलिटी देखा ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए तो वही बेस्ट है। फिर विकास कलाना, मथुरा से एक खबर दूंगा मैं कि मथुरा में जो ईदगाह मस्जिद है मथुरा दास, वहां पे 6 दिसंबर को हिंदू महासभा जो है हनुमान चालीसा का पाठ और कृष्ण जी का अभिषेक करना चाहती है। इनका सब कुछ जो है वो ये सबसे बड़े डिवाउट मुस्लिम्स तो ये महासभा वाले हैं, हर हर जगह हर मस्जिद में जा जाके, क्योंकि इनके प्रेयर्स तो मुसलमानों के बिना होते ही नहीं, मतलब फुलफिलमेंट ही नहीं मिलता है, होते ही नहीं है उनके, मतलब how sad a life man, seriously, मतलब unfortunately because they are in power तो it's not good, but honestly मतलब अच्छे, और मेरे को ये religious लोगों से problem नहीं है particularly, मुझे religion से problem है, वो तो वो अलग level पे है, but मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो अपने घर में बूढ़े लोग होते हैं ना जो खुद से, तो अगर वो राम के नाम दिखेगा तो there is this one guy, मेरे को बहुत हमेशा लगता है कि वो एनुअल वो कुछ होता है ना, वो परिक्रमा टाइप करने के लिए आता है वो बंदा, तो जो चश्मा खो गया है उसका करके बोलता है, याद है तुझे एक पर्टिकुलर एक बूढ़ा आदमी है, बोलता है मेरे को तो पता ही नहीं ये लोग क्या चल रहा है कर सेवा वगैरह, तो मैं हर साल आता हूँ जाता हूँ, मतलब मैं उतने के लिए, मतलब उसके लिए आइडिया ऑफ डिवोशन उस बुढ़े के लिए बहुत डिफरेंट होगा, देन उसको ये नहीं, ही इज नॉट डिफाइनिंग इट बाय समवन एल्सस प्लेसेस ओवर, इन लोगों के लिए डिवोशन डिवोशन का कोई मीनिंग नहीं है, इनको बस ये चाहिए किस तरीके से मुसलमानों की जगह दिखाई जाए, या कुछ नहीं, या वो जो पुजारी है राम के नाम में जो, वो तो बाद में मार दिया गया उसको, तो मार दिया गया, बट वो क्या कोई कम हिंदू या कम रिलीजियस बंदा है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को आइडिया ऑफ रिलीजन से अलग लेवल से प्रॉब्लम है, वो दैट अपार्ट उसका क्लैरिटी ऑफ थॉट, बेसिकली इफ देयर इज वन थिंग दैट आई वुड मेक एवरीवन लिसन टू इट इज दैट पर्सन्स
क्लैरिटी ऑफ थॉट बेसिकली व्हाट ही सेज अबाउट दिस आइडिया कि यार मूर्ति तो रख दिया है अब तो वो मंदिर ही बन गया ना तो मैं क्यों उसको डेमोलिश करूंगा. मतलब वो जो आइडियोलॉजिकल डिवोशन इज दैट अगर कुछ प्योरिटी है भी उस आइडिया में बियॉन्ड दिस रैशनल क्रिटिकल डिबेट दैट्स फॉर अनदर डे. बट ये सब इन लोगों का डेफिनेशन ही है ना तो इनको बस मुसलमानों को रोते हुए देखना है. इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हेट और कुछ है नहीं. That is the bottom line. ये आदमी जब बोलता है मतलब स्टेज पे कि अब देख तू इतने साल तक छुप रहे थे 2002 हुआ ही नहीं कॉन्वर्सेशन में ही नहीं आता था अब ये हो गया है कि 2002 में हमने क्या मस्त सब मतलब परमानेंट पीस दे दिया. दे दिया कब्रिस्तान में तो होता ही है ना परमानेंट पीस ऑफ कोर्स लोगों का दिमाग परमानेंट पीस दे भी दिया है और आने वाले इलेक्शंस में सेम रीजन से वोट भी मांग रहे हैं कि पीस दिलाएंगे और जनता भी डरा के पीस दिलाएंगे नहीं हम नहीं होंगे तो, तो वो जो लड़का गो टू गो बैक टू द लड़का न्यूजीलैंड लड़का अगेन he has never lived in a pre-Modi Gujarat so he probably he has no idea of how it looks like but he has bought into this idea that only they can offer him law and order air quotes what is it that they mean by law and order of Gujarat is best and Bombay ka kharab hai us ladke ne example bhi diya Shiv Sena something something recently appeasement oh sara words usne sara boxes tick kiya yeah 10 मिनट दे दो ना तो सारा व्हाट्सएप लिटरेचर आ जाता है 10 मिनट के अंदर. वो तो है थोड़ा उनको बोलने तो वो खुद ही दिखा देंगे आपको कि वो क्या है. जाते जाते एक और लास्ट खबर बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव इज माय एज वी हैव बीन स्पीकिंग ओवर फोन कॉल्स सिंस द टाइम व्हेन वी वर इन गवर्नमेंट. तेजस्वी यादव मेरे को एंड ही वाज इन तेजस्वी सूर्या एंड ही वाज इन मुझे भी लगा. Today, we will meet for the first time and can discuss about good work, including environment, climate crisis and industries. Aditya Thakre, right? Shiv Sena leader Aditya Thakre. उन्होंने आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू देखा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आया था वो क्या बात कर रहा है वो अर्बन प्लानिंग इंक्लूसिविटी इन पब्लिक स्पेसेस. व्हाई डोंट तेजस्वी यादव एंड आदित्य ठाकरे स्टार्ट अ मेटल बैंड मैन. अरे कल क्या हुआ मुझसे पूछे मत क्यों बट कल मैं रिफ्यूजी का प्रीमियर पार्टी देख रहा था. रिफ्यूजी फिल्म जो रिलीज हुई थी उसका प्रीमियर Watching Refugee movie. Premier party. क्या है ना मैं मेरे YouTube में से सजेशन के लहरे रेट्रो के लहरे रेट्रो चैनल के मैंने लहरे रेट्रो में एक वीडियो देखा है सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार तो ना उसमें ऐसे आते कि गाइस अपने श्रोताओं को मैं बता दूं देख रहे हो ना तुम ये दोनों क्या देखते रहते हैं मेरी YouTube हिस्ट्री में गैंग ऑफ वासेपुर का रीमेक आता है सजेशन तो रीमेक नहीं सॉरी मेकिंग तो उसमें बाजीगर का देखा मैंने साजन का देखा फिर रेफ्यूजी का देखा तो उसमें आए उद्धव ठाकरे. भाई उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे छोटा सा बच्चा है और उसकी वाइफ उद्धव ठाकरे को देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी बैंक अपना 9 to 5 खत्म करके वो आदमी आया ऐसे ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट पहन के ऐसे ऐसे करके मारुति 800 से उतर के एक आदमी जा रहा है. मैंने बोला बताओ यार उस वक्त 2000 मुंबई में क्या पावर है इस आदमी का. और एनीवे जस्ट ऐसी रैंडम चीज देखी तो मुझे लगा कि अपने चाहने वालों के साथ शेयर करूं मैं. राज ठाकरे वाज द मोर लाइक हैपनिंग गाय ना जो माइकल जैक्सन वाला जो कॉन्सर्ट वगैरह हुआ था राज ठाकरे ऑर्गेनाइजिंग फोरफ्रंट में था उसका सब. अच्छा राज ठाकरे से यूनियन वगैरह के साथ भी लफड़ा था ना मोनाली बेंद्रे के साथ रूमर्ड उसका ये सब. हम लोग अभी उसकी तरह बन गए कोमल नाहटा वाले एपिसोड की तरह बन गए लहरे रेट्रो है. इसके अलावा और कुछ है जो आप खबर खबर में तो नहीं पता क्या लग रहा है गुजरात में क्या होगा. अबे बीजेपी जीतेगी यार बीजेपी जीतेगी और जी और मतलब देख लास्ट इलेक्शन क्लोज था गुजरात में पर इस बार वो आप और कांग्रेस खा जाएंगे एक दूसरे को तो बीजेपी के लिए और इजी हो नहीं बोल रहा है आप 22% मार रहा है तो वही हो ना आप वाले बोल रहे हैं तो आप अगर 22% मारता है तो कांग्रेस और नीचे चल जाएगा लेकिन उससे बीजेपी को बेनिफिट ही होगा. अब मैं तुम लोग क्यों तुम लोग गलत सीट के बारे में सोच रहे हो. लेट लीव इट बी लेट इट दोबारा दे दो उनको. यस उनको क्या चाहिए. एक तो भाई गुजरात मतलब आई एम सॉरी बट लाइक गुजरात ही क्या जैसे भी असम और मेघालय के बीच में फाइट चल रहा है तो लोगों को पता है कि नहीं है असम और मेघालय वॉर पे कर रहे हैं दूसरे के साथ अभी.
बॉर्डर पे कर्नाटक कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में भी चल रहा है वो तो। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं हम, अभी 6 महीने पहले तो मालविया बोल रहा था हम यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। ऐसे है अखंड भारत। पर मेरे कहने का मतलब कि कल को ऐसा हो जाए, सोच गुजरात पे कोई पड़ोसी स्टेट अटैक कर दे, गुजराती कैसे डिफेंड करेंगे खुद को? मतलब अगर उनको सिर्फ उनके स्टेट को खुद से डिफेंड करना होता तो उनके उनके प्यार में तो वो फायर पावर भी नहीं हाँ है। मीठा खाना खाते हैं तो स्वीट पीपल। हम लोगों ने वो वीडियो देखा, किसी किसने किया था, किसी न्यूज एंकर ने अपना फोन रख दिया था कवर करते करते कोई गुजरात इलेक्शंस को, और फिर किसी ने तो आके लौटाया, तो हाँ जिस अरे ये बंदे ने लौट ना हाँ पालकी, पता नहीं नहीं किसी पालकी ने नहीं, तो पद्मजा जोशी, हाँ, तो उसको वो फिर भी उसने फिर ट्वीट किया ऐसे कुछ बहुत प्रोफाउंड कुछ उसने इनसाइट दिया है जैसा। ट्वीट वॉज कि देखो मैं फोन वापस मिल गया एंड देन आई गॉट ग्रेट पीस ऑफ पॉलिटिकल एडवाइस फ्रॉम पीपल हियर आर सो नॉलेजेबल अबाउट पॉलिटिक्स आई गॉट। हाँ उस बंदे के पास जाके पूछे, वो बंदा बोलता है यू गॉट फोन बैक बिकॉज दिस इज मोदीज गुजरात, इफ इट वॉज केजरीवाल दिल्ली यू विल नॉट गेट फोन बैक। हाँ मुझे कितना मुझे तो लेयर मुंबई ऑफ में मिला कास्टिज्म है और ये सब है। उनका असम्पशन ये है कि वहां पे फ्री भी मिलता है तो वहां का पब्लिक एक पर्टिकुलर टाइप का है तो वो लोग चोरी कर लेगा, दैट इज वॉट। है। अरे लेकिन मुझे मुझे मुंबई में मिला है फोन वापस मैं तो बोल नहीं, और मैं वांखेड़े में मैच देखने के लिए हम लोग जाते थे, तो एक बार बैग बैकपैक लेके चले गए थे कॉलेज से, लिटरली रस्ते पे फेंक के गए हैं बैग को एक जगह में, जस्ट ऐसे लीप ऑफ फेथ कि मैच देख के वापस आते वक्त मिला तो ठीक है, किसी ने उठाया एंड इट्स लाइक अ पाइल ऑफ बैग्स लाइंग आउटसाइड समवन्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। करना नहीं चाहिए किसी को, बट जिसके पास हाँ कार नहीं है वो ट्रेन से गए हो तो तुम कहाँ छोड़ोगे बैग, विच इज स्टुपिडिटी ऑफ आवर स्टेट इंडिया बेसिकली, छोड़ के नॉट गए वहां पे भी मिल गए, वेलकम। इट्स नथिंग लाइक कुछ ऐसा महान कुछ हो मेरे गया साथ है। तो एक बार एमपी में ऐसा हुआ कि मेरा फोन नहीं मिला, तो मैं से ढूंढ रहा था, तो मैंने एक भैया से बोला भैया ये यहाँ पे फोन गिर फोन दे गया था दो मेरा। हाँ तो तो उन्होंने एक बैग आया खोला, और एक बैग खोला, उस बैग में 5 नए फोन थे, बोलते कौन से चाहिए ले ले, ये कौन सा मॉडल ये है, एमपी है। मामा है मॉडल, समझे, बोले ये अजब है, सबसे गजब बड़ा सोच ये रखे। भी इन्होंने किया है क्या, हमारा बड़े बड़े बी ने क्या एमपी के लिए भी क्या ऐड किया है क्या? अच्छा नहीं, ये कैलाश खेर, बड़े बी कैलाश नहीं खेर है करते ना, हैं, यूपी का बड़े तो भी कर ने एमपी के दिया, लिए नहीं एमपी किया। क्यों नहीं कर सकते? वही मैं रिफ्यूजी के प्रीमियर देख रहा था कि साला ठाकरे को बुला रहे हो और ये अमर सिंह को बुला रहे हो, और अब देखो घटिया आदमी, एकदम घटिया आदमी अब भाई। वो और बीच बीच में ना अभी वो भी बिग बी का भी वो भी चलता रहता है, क्या है ना कि ये लोग क्या करते हैं रैंडमली, जैसे एक आध एपिसोड आया कुछ ऐसे विमेंस डे पे आ गया या कुछ ऐसा, तो उस दिन वैसे वाले नारी शक्ति वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड, बट 90% ऑफ द टाइम वही, अरे हमारी जो बीवी है वो तो ये करती रहती है, अरे आपकी जो है वो खाती बहुत है, मतलब यही चलता रहता है उनका हाँ हमेशा। और लिटरली वो कार में सुब्रत राय सहारा के साथ आए, दोनों सेम कार में आए, और आज देखो सुब्रत राय सहारा कहाँ है। वही ना, जो जिस टाइम पे जिसके पास पावर है उसके साथ चिपक जाओ, बस उतना ही आइडियोलॉजी है और कुछ नहीं है। अब वो किसी ने तो अमोल पालेकर गया था ये भारत जोड़ो यात्रा में, तो बीजेपी अमित मालवीय ने ट्वीट किया, वो होता है ना इनका वो क्या क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, अरे वो ये होता है बेसिकली ना, जिनके पास काम नहीं है आजकल नहीं कुछ नहीं करना, वो आउट ऑफ अरे एक दैट वर्ड है लास्ट ईयर जो फेमस हुआ था कि इनका टूल टूल किट। किट, टूल किट, टूल किट ये है कि सुबह आ जाओ 8 बजे इतना पैसा देंगे। भाई मैं आर्ग्यूमेंट इज कि अगर बुलाना ही है किसी ऐसा को, लेके हाँ अमोल पालेकर को क्यों बुलाएं 2022, मतलब अमोल पालेकर उसके टाइम पे भी एज गुड एज एन एक्टर ही वॉज, अमोल पालेकर वॉज नॉट अमिताभ बच्चन इवन व्हेन ही वॉज हाँ एक्टिंग इन मूवीज लाइक गोलमाल ऑल्सो, तो तब भी अगर कुछ करना होता तो अमोल पालेकर को तभी भी कोई नहीं बुलाता आज भी। नहीं, भक्त का अगर दिमाग ऐसा है ना, भक्त का दिमाग इतना ये हम ट्रांजेक्ट बुला है, लेते हैं, हम बुला लेते हैं तो इनने भी हाँ बुलाया ही होगा, दैट्स भक्त का द दिमाग इतना ट्रांस, वो शायद नहीं भी बुलाते होंगे, मैं बोल रहा हूँ कि कंगना रनौत को मुझे नहीं लगता है हाँ नहीं पैसे की नहीं नॉट जरूरत है, कंगना, नॉट कंगना। कंगना और अक्षय कुमार में आइडियोलॉजिकली अलाइन, लाइक अनुपम खेर में अलाइन, माय पॉइंट इज दैट देयर आइडिया इज दैट इफ यू हैव टू अलाइन विद एनीथिंग व्हिच इज नॉट हेट इट ऑफ कोर्स हैज टू बी, लाइक वोक्स को तो हमेशा बेनिफिट मिलता है, वो बोलते हैं ना ट्विटर पे वोक बनने के लिए तुम्हारा मार्केट ज्यादा हो, भाई मार्केट नहीं है, मार्केट तो जहर के लिए ही है, कौन सा मार्केट है दुनिया में बोल जो जहाँ वोक बन के तेरे को फाइनेंशियल इकोनॉमिक गेन मिल रहा है ना, दुनिया को कोई भी मार्केट इवन यूएस में भी बोलते हैं वोक बनने के लिए तेरे को क्या ऑडियंस ज्यादा मिलता है, नो इसीलिए तो हमें ऑडियंस नहीं मिल रहा दिस अजम्पशन दैट है। हाँ तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइकें और सब्सक्राइबें और शेयरें करें, नहीं तो फिर हमें भी बियर बाइसेप्स चेक कुछ कुछ करना पड़ेगा। पैंडर ही करना है तो बियर बाइसेप्स से बनेंगे ना लोग।
अगर हमें नहीं मिला तो हम भी अब अगले एपिसोड में बुला ही रहे हैं उसको, शिव अरूर को इंटरव्यू करने के लिए। ऋचा ने था क्यों बोला, क्या ऋचा का प्रॉब्लम था? ऐसे की बात करो आई डोंट, मैंने कुछ सुना नहीं उसको बात करते हुए। का वो है ना वो जो एजुकेटेड साउथ एशियन एक्सेंट ऐसा, सर रिच उतना भी नहीं, उतना भी नहीं, उसको टोन डाउन व्हाई करो वुड थोड़ा, यू आर्मी के से दिस? आर्मी मैन वाला एक्सेंट के बस लेके जाओ ऐसा, वो जो गंभीर था गुस्से में, अरे गुस्से में टुडे तो वी हैव ऐसे। यार अर्णब गोस्वामी से लग रहा है एक तो सब, एक तो ये सारे आर्मी यार। वाले जो, अर्णब अर्णब की बहुत, तुमने नोटिस नहीं किया क्या, अर्णब की बहुत कोई क्लिप वायरल वायरल नहीं हो रही बहुत दिन से, जैसे ड्रग्स दो टाइप या कुछ? करता होगा मतलब, नाउ पीपल हैव कम टू एक्सपेक्ट दैट मतलब अभी ऐसा बोल दिया ना क्या। तूने, अब तू 2 दिन में कुछ हो जाएगा, क्योंकि क्या 2 दिन पहले मैं भी ऐसे किसी से बोल रहा था कि यार बाबा रामदेव की खबर नहीं है हाँ पकड़ने बाबा रामदेव सारे का मेरे को वो डिस्कस करना था एक्चुअली। 2 दिन से, और 2 दिन में बाबा रामदेव ने ऐसी बात बोल दी भाई कैसे मतलब कोई भी सेंसिबल सिविलाइज डिसेंट सोसाइटी मतलब ये जो सोसाइटी है जो नहीं है सेंसिबल और डिसेंट, नहीं नहीं आगे मैं बोल बोल रहा हूँ वही जो एग्जैक्टली। अपने हाँ आप दैट को इज द होल संस्कार पॉइंट। संस्कार जो बोलते रहता है जो सोसाइटी, हाँ वहां पे एक बंदा बैठ के बोल रहा है कि महिलाएं तो किसी भी वस्त्र में खूबसूरत लग सकती हैं और बिना किसी के भी लग सकती हैं, और वो इज गिविंग एग्जांपल ऑफ वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठी है, उसकी वाइफ बैठी है स्टेज पे और वो भी हंस रही है उसके साथ पे मतलब। फडणवीस ना यार दे, मेरे अजीब किस्म का है यार ये देवेंद्र यार, बिल्कुल ना को, मैं बोल रहा हूँ तेरे को देख, देवेंद्र अमृता जो है आई थिंक वो लिपु है, शी इज अ वोक्स क्लोजेट, ऐसे 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 शी इज अ ऐसे बहुत वोक क्लोजेट करी है तूने, क्लोजेट मुझे आज वोक्स। भी याद है जब तूने कहा था कि वेंकटेश प्रसाद लिब्बू है मैंने कब बोला था तेरे को? नहीं बोला वेंकटेश प्रसाद के नाम से पता लगता है कि वो नहीं हो सकता मतलब सर्टन नेम। ऐसे जवाहर श्रीनाथ नाम से क्या लगता है, जवाहर श्रीनाथ जवाहर इज दिस अ पॉलिटिकल होम है वो टाइप का, यार, क्योंकि वो अंकल टेक ब्रो भी है ना। टेक ब्रो है, 90% चांस की अलाइन करेगा, वोट भी करेगा बीजेपी क्योंकि बोलेगा देयर इज नो अल्टरनेटिव नाउ, देयर इज नो बेटर अल्टरनेटिव, ये बोल ये उस के लड़के वो ने टीना बोला, वो लड़का एकदम पढ़ के, वो गुजरात टीना भी बोला उसने, भी बोला उसके पास क्या पता है मतलब एवरी सिंगल उसने वर्ड फॉरवर्ड पूरा व्हाट्सएप उसने भर के आ गया था, उसने सब उतार के रख दिया। कवर कर दिया उसने 15 मिनट के अंदर। और उसको एक ही प्रॉब्लम है बस, क्योंकि वो अभी कॉलेज में है, एक ही प्रॉब्लम है दुनिया में, फीस ज्यादा है दैट इज ऑल, और तुम उसको थोड़ा नहीं, स्क्रैच उसको भी एक और सरफेस प्रॉब्लम पे। है, उसको एक और प्रॉब्लम है क्या, मोदी के नाम पे कब तक, मतलब बोलता है कि उसने ये बोला हाँ ना कि अभी कौन है चीफ मिनिस्टर गुजरात का, अगर यूपीएससी के एग्जाम में आ जाए तो कोई बता नहीं पाएगा, उसने एग्जाम्पल हाँ भी इस तरीके से लिया यस कि हाँ अगर यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है तो कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि आप मोदी के नाम से कब तक वो करते रहोगे ऐसा हाँ रसम। बट फिर भी वोट आप नहीं को देंगे। हाँ टीना फैक्टर, तो क्योंकि बाबा व्हाट्सएप रामदेव, हाँ व्हाट्सएप लिटरेचर बेसिकली 15 मिनट जितना ही कंटेंट है उसमें, दैट वो कोई दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी तो है नहीं कि उसको कवर करने के लिए आपको मल्टीपल लोगों का जिंदगी लगे, लेकिन नहीं वो 15 मिनट में हो जाता है कवर, अरे दैट्स वो द तो कई बार ब्यूटी। अजम्पशन में कवर हो जाता है, आपके अंदर सही मात्रा में आप अपने अंदर नफरत लाइए सब आ जाएगा। पढ़ना भी नहीं पड़ता है उसके लिए एक्चुअली, वो नॉलेज खुद ब खुद आपके अंदर घुस जाता आ जाता है। है। हाँ और फिर कुछ आपको कतार के बारे में कुछ बोलना है? कतार कतार के आप बारे में कतार ना, में हैं, कतार के ये बारे में हो मेरा गया सबसे निशान। ये है कि इट इज इंडियन पीपल, मेरे को ठीक है होना चाहिए आउटरेज, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट राइट विंग के लोग जब बोलते हैं ना ये सब चीज क्या क्या शोभा नहीं देता है आपको, बोल रहे लिविंग राइट विंग के लोग, लिविंग कंडीशंस इन कतार मैं तो कुछ और ही अवेलेबल सुन रहा हूँ राइट विंग के लोगों से। एक का क्या? मैंने ट्वीट देखा, बोलता हाँ है कतार हैज मेड दिस होल वर्ल्ड कप अबाउट इस्लाम, नेक्स्ट ईयर द क्रिकेट वर्ल्ड कप इज इन इंडिया, व्हाट शुड इंडिया डू? मैंने बोला भाई सुन, बैठ तू, बैठ मेरी बात सुन, वो चल रहा है क्या फुटबॉल वर्ल्ड कप, एंड एज मच एज आई लव क्रिकेट, मतलब वो एनी भी किसी करते को हैं ना, फर्क नहीं ये कुछ पड़ता। नया क्या है? अरे लेकिन कर लिया, मैं तो बोलता हूँ क्रिकेट नहीं वर्ल्ड कप का नाम करने दे अगले साल, क्रिकेट वर्ल्ड का नाम वो तो मुझे छोड़। जय श्री राम वर्ल्ड कप, हाँ पब्लिक को, दुनिया को कोई हाँ फर्क पड़ेगा? करेगा, ब्रिटिश मीडिया शायद कुछ बोलेगा कि ये लोग राइटिंग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उतना आ जाएगा, दैट इज ऑल यू विल गेट। मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ ब्रिटिश मीडिया का, ब्रिटिश मीडिया को ना सुन, इंग्लिश पॉडकास्ट सुनता हूँ ब्रिटिश हाँ मीडिया, हिस्ट्री पॉडकास्ट ना, मैं भी सुनता हूँ उसमें मतलब, हाँ रेस्ट इज हिस्ट्री रेस्ट राइट, इज हिस्ट्री। हाँ उसमें से एक बंदा है वो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, बहुत पसंद करता है क्रिकेट, और लिटरली मुझे इतनी बात नहीं अजीब लगी कि साला 2020 वर्ल्ड कप वो उसने एक बार मेंशन भी नहीं किया,
और क्योंकि उसके फुटबॉल साथ वर्ल्ड में कप, जो जो है वो हाँ बंदा शायद उसको नहीं पता है कुछ। हाँ पर अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसमें हर कंट्री पे एक एपिसोड कर रहा है, वो फुटबॉल वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है। अल्दो फॉर्मेट अच्छा है कि दे डोंट टॉक अबाउट फुटबॉल बट अबाउट हिस्ट्री हाँ ऑफ दोज कंट्रीज बेसिकली जो भी हो, सम ग्रुप। पर इट टेल्स यू कि फुटबॉल कितना लाइक, इवन इन इंग्लैंड में फुटबॉल इज लाइक, इनफैक्ट अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हॉकी सीरीज चल रहा है तुम्हें पता है, टेस्ट सीरीज। बट क्या ही बोल। हाँ हॉकी भी तो टेस्ट कहलाता है राइट। खैर जो भी हो, हाँ तुम जैसे बताओ हम तुम। वर्ल्ड कप तो करा ही सकते हैं तब अरे करा देंगे, मैं तो कहता करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। उनको पड़ेगा ना यार, तू समझ में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर अरे मैक्सिमम अभी नंबर ऑफ पीपल इन अ स्टेडियम इन अ T20 मैच, ये किसको फर्क है ना, पड़ता है इस रिकॉर्ड से। ये अभी मिला ना, ये अभी हाँ हुआ ना, आज का ये खबर मिला है है अभी। ताजा, जैसा लिया है और जैसा प्राउड है इस बात से भाई। एक तो एंड बाय द वे गिनीज बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड, द बुक इटसेल्फ इज अ पीआर फॉर गिनीज गिनीज हु टेक योर मनी एंड गिव यू एनी रिकॉर्ड यू वांट। सो बट घूम फिर के बात हर चीज की वही आ जाती है ना, कि जिस जन जो इनकी ऑडियंस जनता है वो टेक नंबर की चोमो है, कोई कुछ नहीं पता। तो दे डोंट केयर, दे थिंक एवरीथिंग ये इज सब गिनीज चंगा बुक ऑफ सी। रिकॉर्ड का जो गिनेस है वो ये दारू वाला गिनेस है कि कोई और गिनेस है? नहीं, सेम भाई, दारू तो वाला गुजरात में तुम गिनेस। वो अवार्ड ले सकते हो क्या? अभी मैं ट्विटर अब में फिर देख वही रहा था लॉजिक वॉजिक पे आ जाओगे यार तुम तो, ऐसे थोड़ी कतार चलते। वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक ट्विटर में वो देख रहा था एक अहमदाबाद में शेड। खड़े रह के उससे अवार्ड ले रहा है वो, तो इज इट अलाउड स्पॉन्सरशिप एंड अवार्ड स्पॉन्सर्ड बाय एन सब अल्कोहल अलाउड है, ब्रांड सब अलाउड है। तो एज लॉन्ग एज यू आर जैसा। अंजना ओम कश्यप को वो एक, हाँ शायद तुमने हाँ क्लिप नहीं दे रखा है ना, हाँ कोई तो बेवड़ा आ गया था वहां पे। हाँ बोलते हैं कि ये गुजरात में शराब बंदी है पर ये सब लोग मुंह से शराब में है कहीं है। एक तो भाई क्यों, भाई क्यों कर रहे हो सब, क्यों ऐसे तुम लोग भाई। एनीवे छोड़ो, मैं एक ट्विटर पे थ्रेड देख रहा था, डिफरेंट कंट्री फुटबॉल फैंस एट द कतार वर्ल्ड कप रिफ्यूजिंग टू टॉक टू इजराइली मीडिया, अ थ्रेड। ये सब होता है दुनिया में, इंडियंस गए हैं, इंडियंस क्यों जाएंगे भाई, इंडिया जाएंगे का बात क्या करने के है, लिए ना। इफ इंडियंस नोबडी जाएंगे बात टॉकिंग, करने, नोबडी इज आई टॉकिंग, टॉक आई टॉक ब्रदर, नोबडी। हाँ वी ऑप्रेस टुगेदर। आजकल वो खैर एनीवे तो ऑन दैट लेकिन नोट, तो देख रहे हो हाँ टीमिंग अप विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स वालों का। अभी रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास हो रहा था यूएन में हाँ अबाउट सिविलियन एरियाज को बॉम्बिंग करने के खिलाफ, एयर स्ट्राइक्स और ये तो सब वो के, छोड़ चार देश आइवरी, ने। हाँ हाँ इंडियन, उसके अभी कल क्या हुआ, कल यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ कि जो एलिफेंट के जो टस्क होता है आइवरी टस्क, उनका वो नहीं करेंगे, हाँ उसमें भी इंडिया ने स्मोकिंग वोट नहीं किया भाई, एब्सटेन कर दिया। हाँ क्या चल रहा है भाई, सुपर माइनस विलेन बनने चले हो आप। ये वाला तो मेरे को बहुत मस्त लगा नहीं कि ये तो वो सुपर विलन वाली हरकत भी नहीं है, ये तो मतलब सांबा वाली साइड नहीं हो किक तुम साले। वही है हम, क्योंकि वो वाला जो था जो अभिजीत चावड़ा की यूनिवर्सिटी में बोलता हूँ, जो सिविलियन एरियाज में बॉम्ब करने के खिलाफ जो रेजोल्यूशन था उसमें इंडिया, चाइना, रशिया और चौथा कौन था, यूएई था शायद से, और इजराइल, इजराइल सॉरी द फोर्थ कंट्री ऑफ कोर्स इट हैज टू बी इजराइल, क्यों कोई और हो। मतलब देख रहे हो टीम वहां पे अभिजीत चावड़ा बोलता है कि ब्रिक्स इतना पावरफुल होने वाला है, देर आर मोर कंट्रीज विच वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स विल हैव इट्स ओन एंड करेंसी, इनका अलग चल रहा है यूनिवर्स, ब्रिक्स का अलग करेंसी बनने वाला है। ऐसे ब्रिक्स में ऐसे ऐसे सी एक ब्रिक्स क्या नो में बोला, सी फॉर, ब्रिक्स में सी फॉर, चाइना। हाँ तो मतलब जो आई है और जो सी है, हाँ जो चाइना आता है मीटिंग में अपने जाता भी होगा अपने किसी छोटू को भेज ब्रैक्स देता होगा, ब्रैक्स ब्रैक्स हो जाता होगा बट वो, ब्रिक्स आई में ही एक, रहेगा अगर चाइना है तो। ब्रिक्स में लेकिन एक यूनिफाइंग फैक्टर तो है। और आर भी भूल मत जाओ, आर क्या है ब्रिक्स में पता है ना। हाँ हाँ बट तू ब्रिक्स में एक यूनिफाइंग एलिमेंट देख रहा है, साउथ अफ्रीका टू एन एक्सटेंट, बट उसके अलावा बाकी सब में स्ट्रॉन्ग मैन तो हैं। पर बी बी भी अलग हो जाएगा वहां से, हाँ बी बी अभी को तो भी नहीं अलग हो रहेगा, गया, बी अब रिक्स अब रह जाएगा, कोई रिक्स रिक्स नहीं लेने लेने का, रिक्स नहीं लेने का। ऑन दैट तो नोट जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री शंकर। राम। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? बस हमारा सनातन धर्म अखंड भारत। महंगाई कुछ भी हो, महंगाई चलेगी लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। उनसे मांग क्या है, वो नेक्स्ट 2029 में हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, जरूर से बनेंगे। अमित शाह जी नहीं बनेंगे, अमित शाह 2000 बीजेपी का होना चाहिए, सब लोग एक ही है, योगी जी बने, अमित शाह बने, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि 2029 में योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। योगी, योगी तो हमारा हृदय सम्राट योगी है, इसमें कुछ कहना नहीं है। वो हमारे गुजरात में आएगा, हम उसका हृदय पूर्वक स्वागत करेगा, और योगी है ना वो गुजरात का वो निकाल करेगा। योगी हमारे गुजरात में, गुजरात हमारे सोना की मूर्त है,
इसमें सभी लोग आते हैं। वंदे मातरम, वंदे मेट्रो फ्री में नहीं आता है, सरकारी गाड़ियां फ्री में चलती है। ये तानाशाही है गुजरात में, तानाशाही है, गुंडागर्दी हो रही है गुजरात। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 November 2016 की रात्रि को 12 बजे से। Thank you, Minister के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है? हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है? अरे ये ना पंजाब की खुशबू।